आपके अपने YouTube चैनल शर्मा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की दोस्तों बोर्ड से जुड़ी हुई, रिजल्ट से जुड़ी हुई मैं दो अपडेट यहाँ पे आपके लिए फाइनली लेके आया हूँ। दोस्तों मुझे पता है कि आप सभी 12वीं का रिजल्ट किस प्रकार से बनेगा, आपको किस प्रकार से मार्क्स मिलेंगे, सभी छात्र उसको लेकर बेहद चिंतित है। और दोस्तों ये इतना चिंता का विषय है कि हर एक छात्र ये भी चिंतित है लेकर कि हमारा जो एडमिशन होगा अगली कक्षाओं में वो किस प्रकार से होगा, मतलब कि आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन जो किस प्रकार से मिलेगा। सो दोस्तों ये 23/6/2021 की बहुत बड़ी अपडेट है, दो अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दोस्तों पहली बड़ी अपडेट है कि मध्य प्रदेश मासिम दो विकल्प पर हो रहा है विचार, लेकिन फाइनल कुछ नहीं। 15 दिन में 12 बैठकें हो चुकी है दोस्तों, इतना लापरवाह दोस्तों बोर्ड मैंने कहीं नहीं देखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं CBSE बोर्ड का भी दोस्तों अपडेट, यहाँ तक कि UP बोर्ड का भी अपडेट आ चुका है कि वो रिजल्ट किस प्रकार से फॉर्मूला तैयार कर रहा है, आपको किस प्रकार से पास कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे तो रिजल्ट तो बना ही नहीं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट डेट कहाँ से डिक्लेयर होगी जब आपका फॉर्मूला ही तैयार नहीं हुआ है। इसमें बताया गया फ्रेंड्स, राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा भले ही रद्द कर दी हो, लेकिन रिजल्ट को लेकर कोई फॉर्मूला अब तक नहीं तय हो पाया है। पिछले 15 दिन से माध्यमिक शिक्षा मंडल से लेकर मंत्री समूह के स्तर तक इसकी कवायद की गई है, लेकिन फॉर्मूला फाइनल नहीं हो चुका है। इसको लेकर करीब 12 बैठकें हो चुकी है, लेकिन बात नहीं बनी। बुधवार को माध्यमिक शिक्षा मंडल में एक बार फिर बैठक आयोजित की गई, इसमें रिजल्ट के फॉर्मूले पर बातचीत की गई। फॉर्मूला तय करने में आ रही अड़चन की बड़ी वजह यह रही कि 10वीं 11वीं और 12वीं के नंबरों वाला पहला फॉर्मूला पहली बार में ही रिजेक्ट करना पड़ा। दरअसल मंडल में जुड़े प्रदेश के निजी स्कूलों के पास पिछले साल की 11वीं का रिजल्ट ही नहीं था, क्योंकि पिछले साल 11वीं कक्षा में जर्नल प्रमोशन दे दिया था। इसमें दोस्तों बताया गया है विशेषज्ञों ने दोस्तों यहाँ पे दो फॉर्मूले यहाँ पे फाइनली आपके सुझाए हैं। पहला जो नंबर वन है, सिर्फ 10वीं कक्षा के फाइनल रिजल्ट के आधार पर ही 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला तैयार कर दिया जाए। दूसरा दोस्तों है 10वीं कक्षा की सालाना परीक्षा और 12वीं कक्षा की छमाई परीक्षा के नंबरों के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाए। इन सुझावों के आधार पर मासिम फॉर्मूला तैयार करेगा, इसके बाद मंत्री समूह की सहमति के बाद उसे लागू किया जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं विभाग ने मंगवा लिया था कक्षा 11वीं का रिजल्ट। हैरत की बात तो यह है कि पिछले साल जनरल प्रमोशन दिए जाने के बाद भी मंडल ने पिछले महीने आदेश जारी करके सभी निजी और सरकारी स्कूलों से पिछले साल के 11वीं कक्षा का रिजल्ट तक मंगवा लिया था। फॉर्मूला मंडल को निकालना है, अपूर्व मंत्री समूह करेगा। 12वीं कक्षा के रिजल्ट का फॉर्मूला तय करने का पूरा दारोमदार माध्यमिक शिक्षा मंडल के ऊपर है। मंडल के अधिकारी स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं एक दो दिन में। तो यहाँ पर इसी बीच दोस्तों यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री हमारे हैं उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, इसी बीच आप देख सकते हैं। स्कूल शिक्षा राज्य शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार का कहना है कि सभी बिंदुओं पर मंथन किया जा रहा है। निजी शिक्षकों के पास पिछले साल का 11वीं का रिजल्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, विशेषज्ञ फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं, इसमें अंतिम रूप मंत्री समूह द्वारा ही किया जाएगा, एक दिन में हम फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये आज की अपडेट है, तो इसका मतलब दोस्तों है कि कल या परसों तक, मतलब कि 25 तारीख तक आपका जो फॉर्मूला है बनकर तैयार हो जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रेशर मंडल के ऊपर आएगा। रिजल्ट भी आपका मैं यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों, 31 जुलाई तक यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, आपका रिजल्ट किस प्रकार बनना चाहिए, आपकी क्या राय है इसके विषय में, तो दोस्तों अपडेट जरूर दिखे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।